वेलकम टू मेड साइंसेस। रिस्पायरेटरी पैथोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो उससे पहले कुछ बेसिक नॉलेज हमें होना ज़रूरी है। सो दिस टॉपिक इज़ रिगार्डिंग द लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। ओके, सो आवर लंग एक्चुअली वर्क हार्ड, ट्राई हार्ड टू मेंटेन ईच एंड एवरीथिंग विद इन द लिमिट्स। ओके, सो देर आर सर्टन वॉल्यूम ऑफ गैसेज विच वी टेक इन and which we take out, and some of the gases, the volumes of gases, the lungs retain inside it and never expelled out. And there are certain situations our lungs tries to get more volume of gases and tries more volume of gases out or gases in. So in sabko ek naam dene ke liye hum kuch volumes padhenge, theek hai, aur kuch कैपेसिटीज़ पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। वॉल्यूम इज़ अ मेजर्ड क्वांटिटी एंड कैपेसिटीज़ आर कैलकुलेटेड क्वांटिटीज़। ठीक है, वॉल्यूम्स वी मेजर देम फ्रॉम डिवाइस, वी कॉल देम स्पायरोमेट्री और स्पायरोग्राम। द ग्राफिक फॉर्म ऑफ द स्पायरोमेट्री वी कॉल देम स्पायरोग्राम, through which we interpret certain values, and in sab values ki diagnosis mein, respiratory disorders ki diagnosis mein bahut important part hai, theek hai. To capacities, first they are calculated ones. How we calculate them? Through adding certain value volumes, theek hai. Okay, so volumes hamare paas kaun kaun se hain? फर्स्ट टाइडल वॉल्यूम विच इज़ 500। टाइडल वॉल्यूम है क्या एंड हाउ इट अपेयर्स ऑन द स्पायरोग्राम विल सी इट लेटर। द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम विच इज़ 3000, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम विच इज़ 1100, एंड रेसिडुअल वॉल्यूम विच इज़ 1200। नाउ द कैपेसिटीज आर कैलकुलेटेड क्वान्टिटीज, कैलकुलेटेड फ्रॉम द वॉल्यूम्स। एडिंग टू और मोर वॉल्यूम्स टुगेदर bring a capacity out, ठीक है. तो inspiratory capacity है, vital capacity है, total lung capacity है, and there is another capacity which is the functional residual capacity. Inspiratory capacity is 3500 and vital capacity is 4600, whereas total lung capacity 58,000 or approximately 6 liter or 6 liter, yes we call that. तो टाइडल वॉल्यूम, अच्छा उसके बाद फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है, दैट इज द सम ऑफ द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। सो व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? ठीक है, टाइडल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ गैस वी टेक इन और टेक आउट इन द नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग। ठीक है, जो कि 10% ऑफ टोटल लंग वॉल्यूम काउंट करता है। ग्राफ में अगर हम देखें, दिस रेड लाइन शोइंग फ्रॉम द 2 to 3 और 2.5 to 3, दैट इज शोइंग 500 ml। ठीक है, इट अकाउंट्स फॉर 500 ml। दिस इज़ द टाइडल वॉल्यूम वी टेक इन एंड आउट, इन एंड आउट, दिस इज़ द टाइडल वॉल्यूम विच इज़ 500 ml। ठीक, देयर यू कैन सी दिस इज़ द टीवी टाइडल वॉल्यूम। ओके, सो द नेक्स्ट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड आफ्टर टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, एंड अकाउंट्स फॉर 50% ऑफ द टोटल लंग वॉल्यूम। सबसे ज़्यादा जो लंग वॉल्यूम है, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऑब्वियसली वी टेक इन द एयर नॉर्मली इज अ टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद जो हम ज़्यादा एक्सेस एक्स्ट्रा एयर टेक इन करते हैं, दैट इज़ इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड, द नेम इंडिकेटिंग दिट इज़ रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, दिस इज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आफ्टर द टाइडल वॉल्यूम दिस पीक गोज टू हियर मैक्सिमल इंस्पायरेशन देन डाउन। दिस इज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम विच इज़ 3000। ठीक है, और अगर हम टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को प्लस कर दें, देन वी गेट अ कैपेसिटी कॉल इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 3500। ठीक, देन वी हैव एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
ठीक है, इन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज वॉट इज द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल्ड आफ्टर अ नॉर्मल क्वाइट एक्सहेलेशन. जैसे कि इंस्पायरेटरी वॉल्यूम है, उसी तरह एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आफ्टर अ नॉर्मल क्वाइट एक्सपायरेशन. इन अकाउंट्स फॉर 15% ऑफ द टोटल लंग वॉल्यूम. तो आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, यहाँ से यहाँ तक कि हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, दैट अकाउंट फॉर 1200 ml. ठीक है, देन वी हैव रेजिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लंग्स एट द एंड ऑफ मैक्सिमम एक्सपायरेशन. ठीक है, अगर हम मैक्सिमम इंस्पायरेशन कर लें, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम टेक इन कर लें, उसके बाद हम एक्सेस और मैक्सिमम एक्सपायर कर दें उस एयर को, ठीक है, अनटिल एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो उसके बाद भी जो हमारे पास एक वॉल्यूम ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस दैट वी रिटेन इन आवर लंग्स दैट इज़ नॉट एक्सपेल्ड आउट इवन आफ्टर अ मैक्सिमम एक्सपायरेशन इज कॉल्ड द रेजिडुअल वॉल्यूम एंड अकाउंट्स फॉर 25% ऑफ टोटल लंग वॉल्यूम. एंड और ये हमेशा ही हमारे लंग्स के अंदर है, वी कैन नेवर एक्सपेल दिस एयर आउट एंड दिस इज द रेजिडुअल वॉल्यूम. वेयर इज इट? हियर. ठीक है, एंड इट ऑल्सो अकाउंट्स फॉर 1200 ml. ठीक है, अब ये हमारे पास सारे वॉल्यूम्स हो गए और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गई, ठीक है, दैट इज 3500. नाउ व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी? वी हैव फोर कैपेसिटीज, थ्री मेन एंड वन अदर फंक्शनल, फोर्स और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. सो दिस इज द वाइटल कैपेसिटी. ठीक है, वाइटल कैपेसिटी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम को काउंट नहीं करता, बाकी तब सबको अगर हम प्लस करेंगे, वी गेट वाइटल कैपेसिटी. वाइटल मीन्स ऑल दी गैसेज विच आर इसेंशियल फॉर अस. ठीक है, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा? टाइडल वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो फंक्शनली हम इन वॉल्यूम्स को यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग आफ्टर अ नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग आफ्टर अ नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग. ठीक, सो दिस इज़ दी वाइटल कैपेसिटी. नाउ व्हाट इज़ द टोटल लंग कैपेसिटी? दिस इज TLC. TLC वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम. ठीक है, यहाँ पे हम बस रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड कर लेते हैं एंड वी गेट 5800 और अप्रॉक्सीमेटली 6 liter वी से दैट. ठीक, अच्छा, तो इन तमाम वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ को, कैपेसिटीज़ तो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं, वॉल्यूम्स को हम मेजर करते हैं. तो तमाम वॉल्यूम्स, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आर मेजर्ड बाई स्पायरोमेट्री और स्पायरोमीटर. ठीक है, बट रेजिडुअल वॉल्यूम इज नॉट मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर, रिमेंबर दिस. नाउ वी हैव एन अदर कैपेसिटी, दैट इज द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. व्हाट इज दिस? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. ठीक है, तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है? कि हमारे लंग्स में एक वॉल्यूम ऑफ गैस है, दैट इज इट्स पार्ट ऑफ इट इज़ फंक्शनल. ठीक है, अगर हम देखें, इट इज़ द सम ऑफ द एक्सपायरेटरीज ऑफ वॉल्यूम, एक्सपायरेटरीज ऑफ वॉल्यूम इज फंक्शनल आफ्टर नॉर्मल क्वाइट एक्सपायरेशन. व्हेन वी मैक्सिमली एक्सपायर्ड इज द एक्सपायरेटरीज ऑफ वॉल्यूम. ठीक है, एंड फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम इज द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज द सम ऑफ द एक्सपायरेटरीज ऑफ वॉल्यूम एंड द रेजिडुअल वॉल्यूम. सो पार्ट ऑफ इट्स फंक्शनल, सो दैट्स वाई वी कॉल इट फंक्शनल, that is ERV, and residual, that is residual volume and capacity, because it's a calculated value and sum of the two or more volumes. Now anything which include the residual volume, because the residual volume itself is not measured by spirometer, so anything include the residual volume is not calculated by the spirometer, which include the TLC and FRC, that is total lung capacity, residual volume itself and the functional residual capacity. Okay, now this is the spirometer. ठीक है, इट इज़ हाउ वी यूज़ इट. इसको इसकी एक माउथ पीस है, ठीक है, उसको मुंह में डालते हैं एंड इट्स नॉट टाइटली हेल्ड बाय टीथ और नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द टंग एंड वी ब्रीथ इन वी ब्रीथ आउट. सो द स्पायरोग्राम, दैट इज द ग्राफ, इट मेजर ऑल द वॉल्यूम्स एंड थस वी कैलकुलेट आउट ऑफ दैट द कैपेसिटीज. ठीक है, एंड दिस इज हाउ इट इज़ यूज. We obstruct the nose because we know that our airways are continuous with the nose and mouth. Okay,
रेजिडुअल वॉल्यूम जो हम उसको स्पायरोमीटर से कैलकुलेट नहीं कर सकते, हाउ वी कैलकुलेट इट, देर आर अदर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट थ्रू विच द रेजिडुअल वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड, लाइक हीलियम डाइल्यूशन मेथड विच इज़ अ क्लोज सर्किट डाइल्यूशन, रेडियोग्राफी प्लेनीमेट्री, बॉडी प्लेथिस्मोग्राफी एंड नाइट्रोजन वॉश आउट टेक्निक. ठीक है, दिस इज द पिक्चर ऑफ हीलियम डाइल्यूशनल मेथड. ओके, आफ्टर दैट टू अदर थिंग्स वी शुड डिस्कस फॉर द पर्पज ऑफ डायग्नोसिस ऑफ सर्टन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी एंड फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम विद इन 1 सेकेंड. ठीक है, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी